तो यार दोस्तों, आज हम लोग लाए हैं आपको रवि भैया की शॉप पे। तो ये आज आपको पूरी सब चीज़ें बताने वाले हैं कि कौन सा फूड सबसे अच्छा है आपकी फिश के लिए, कौन सा मीडियम क्वालिटी का है, कौन सा हाई क्वालिटी का है, और जो सस्ते फूड होते हैं वो किस टाइप के रहते हैं। इन सब के बारे में आज अपन लोग जानने वाले हैं, और ये भी जानेंगे कि फ़िश के लिए कौन सा फूड सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, आपको अपनी फ़िश को फ़िश किस टाइप की है, किस टाइप से उसको फूड देना चाहिए, सिंकिंग फूड कौन से हैं, सिंकिंग फूड किस फूड किस फिश के लिए रहते हैं, इन सब के बारे में आज अपन लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए जानते हैं रवि भैया से सब चीज़ें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रवि कुशवाहा है और मेरी सनफिश पॉइंट नाम की दुकान 12 नंबर साईं आकृति अपार्टमेंट के सामने स्थित है, जो कि भोपाल सिटी में है। और मेरे पास सभी टाइप्स के एक्वेरियम अवेलेबल हैं। उसमें आपको 200-250 रुपये से रेंज के स्टार्ट से आपको 35-40 हज़ार रुपये तक की रेंज के सभी एक्वेरियम मिल जाएंगे। मोल्डेड जो आजकल चाइना वाले आ रहे हैं और एक्रेलिक फॉर्म में आ रहे हैं, वो सारे एक्वेरियम मेरे पास अवेलेबल हैं। और फिशेस का स्टॉक भी सारा अवेलेबल है, जैसे पैरट हुआ, फ्लावर हॉर्न हुआ, अरवाना हुआ, गोल्ड है, कोई कार्प है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। और आइए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि फूड कितने प्रकार के होते हैं और हाई रेंज से लो रेंज के फूड में क्या फ़र्क आता है और इससे मछलियों को क्या असर पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ, जैसे कि अपना टैयो डिस्कवरी फ़िश फूड है, ये अपना 100 ग्राम की पैकिंग 30 रुपीज़ की है और 200 ग्राम की 50 रुपीज़ की है। इसमें और सस्ता भी है, 1 किलो भी है, आधा किलो भी है, सभी रेंज हैं। तो ये वाला फूड केवल और केवल मछलियों को पेट भरने के उससे रहता है, मगर इससे कलर वगैरह थोड़ा सा मछलियों का डल हो जाता है। जैसे आदमी कहता है कि भैया हम आपके इधर से मछली ले गए, मगर आफ्टर सम टाइम वो मछली का कलर थोड़ा सा डल हो जाता है, वो कुछ ऐसे ही फूड खिलाने की वजह से हो जाता है। अब जैसे अपन मीडियम रेंज की तरफ आते हैं, तो जैसे कि ये आता है ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मीडियम रेंज का फूड है, ना ज़्यादा अच्छा है और ना ही ज़्यादा बुरा है। इसमें मैक्सिमम लोग यही प्रेफर कर रहे हैं। ऑप्टिमम में कई रेंज आती है, 3-in-1 आता है, 6% आता है, 12% आता है, और माइक्रो पीलेट भी आते हैं, ऐसे बहुत सारी हैं। तो ये फूड एकदम मीडियम क्वालिटी का है। उसी रेंज में अपन फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये एवर रेड और हाई रेड, ये भी टैयो कंपनी के हैं। तो एवर रेड और हाई रेड ये भी मीडियम क्लास फूड है। इसमें अपन मछलियों के कलर बढ़िया रहेंगे, मछली हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा मछली इसमें, एवर रेड और हाई रेड में। और सबसे अगर हाई रेंज की अपन फूड की बात करें, तो ये आता है अपने पास हिकारी का फूड। जैसे हिकारी में गोल्ड फिश गोल्ड आता है, ये पूरी गोल्ड वगैरह के लिए चलेगा। इसमें एक गप्पी बेबी आता है हिकारी का, वो अपनी छोटी फिशों के लिए चलेगा। और एक और आता है हिकारी चिचलेट बायोगोल्ड प्लस, वो अपना जो चिचलेट वेराइटी है, पैरेट है, अरवाना है, अरवाना के लिए अरवाना स्टिक आता है। ऐसा बहुत से फूड आते हैं, 63 टाइप के हिकारी के फूड आते हैं, जो कि आप अलग अलग फिशों के हिसाब से आते हैं, जो कि आप मार्केट में मेरे पास अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं अपन सिंकिंग फूड की तरफ। सिंकिंग फूड मतलब होता है जो पानी में डूब जाए, पानी में डूब जाए। जैसे कि जो अपनी एंजल फिश होती है और जो नियोन टेट्रा है, कार्डिनल टेट्रा है, सरपे टेट्रा है, जो छोटी फिशें होती हैं, वो ये फूड प्रेफर करती हैं। जैसे टैयोबिट्स है, टैयोबिट्स इसको आप पानी में डालेंगे तो ये पानी में डूब जाएगा, और जो छोटी फिशें होती हैं इसे पिकअप कर लेंगी, मतलब वो इजीली खा जाती हैं इस फूड को। वो ये जो फ्लोटिंग फूड हैं ये अच्छे से नहीं खा पाती हैं एज़ कम्पेयर टू सिंकिंग फूड, ठीक है। तो जैसे इसका रेंज मैं बताऊँ आपको, 180 का है सबसे छोटा पैक, दूसरा है 350 का, और तीसरा है 600 का। ये मतलब रेंज है टैयोबिट्स की। और फिर इसके बाद आ जाता है, ये अपना इंडियन फूड है टैयोबिट्स, इसके बाद आ जाता है अपना टेट्राबिट, ये जर्मनी का फूड है। इसमें भी तीन टाइप के आते हैं ये। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 180 का है, 350 का है और 900 रुपये का है, मतलब इसमें साइज़ के अनुसार है। और ये फूड भी बहुत अच्छा
रहता है, ये स्पेशल कलर के लिए रहता है। इसमें जो कलर फिश ये अगर जो खा लेता है फिश, वो कलर A1 रहता है उसका, बिल्कुल एकदम ब्राइट कलर आ जाते हैं उसके। ये अभी रवि जी आपने बताया कि कौन सी क्या रेंज रहती है फूड की, जैसे डिस्कवरी आपने बताया सबसे सस्ता फूड है, फिर अपना ये टेट्रा वाइट हो गया सबसे कलर के लिए सबसे अच्छा फूड रहता है जी, उसके बाद हिकारी सबसे महंगे फूड्स में आ जाता है और इतना 63 ब्रांड रहती है हिकारी। हाँ जी, तो हिकारी से सबसे अच्छे फूड में से आ जाता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि क्या है कि टेट्रा वाइट आम आता है 900 रुपये का इतना सा डिब्बा, वहीं पर अगर अपन लोग जैसे ऑप्टिमम का देख लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब मिडिल क्लास आदमी जो है उसको कौन सा फूड देना चाहिए जो दोनों चीज़ों में अच्छा काम कर दे, कि उसको रीजनेबल भी पड़े, रीजनेबल भी पड़े और उसका काम भी हो जाए पूरा, मछली भी हेल्दी रहे, क्योंकि क्या रहता है डाइट से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है एज जी जी मछली। अपन कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि अपन फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मान लीजिए कोई मिडिल क्लास पर्सन है वो इतना एफर्ट नहीं कर पा रहा कि ये अपना 600 रुपये का फूड एफर्ट कर सके या 900 रुपये का फूड, तो वो एक काम करे कि एक छोटा पैक ऑप्टिमम का ले ले और एक छोटा पैक हिकारी का ले ले, दोनों को मिक्स करके और मछलियों को खिलाए तो उसका मछली हेल्दी रहेगा। ये एक बहुत अच्छा है और मैं ऐसा बहुत कस्टमरों को सजेस्ट भी करता हूँ और उसका आउटपुट भी बहुत अच्छा है। इससे मछली एक तो ग्रो भी अच्छा करता है और उसके कलर बहुत अच्छे रहते हैं फिश के, और फिश इजीली मरता भी नहीं है। जैसे जनरली लोग कहते हैं भैया मेरा फिश मर गया, वो नहीं हो पाता, वो नहीं होता। आप एक बार हिकारी थोड़ा सा प्रेफर करके देखेंगे तो आपको रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक ही पता चलेगा। अच्छा, जैसे हमने देखा कि आपके पास यहाँ पे दो टर्टल फूड भी अवेलेबल हैं, जैसे टैगियो का है, दूसरा डिस्कवरी का। हाँ हाँ, इनमें से आप बताइए, क्योंकि टर्टल क्या है कि आप बहुत लोग पाल रहे हैं और जैसे सिंगापुरी मतलब अपना रेडिएट स्लाइडर है, इन दोनों में से आपका कौन सा ज़्यादा सही फूड रहता है? जैसे ये टैगियो कंपनी का जो फूड है ये एकदम बेस्ट है। इसमें क्या रहता है कि प्रोटीन्स की मात्रा एज कम्पेयर टू टैगियो डिस्कवरी बहुत अच्छी रहती है, इसके कारण ये ज़्यादा बेस्ट है एज कम्पेयर टू टैगियो डिस्कवरी। टैगियो डिस्कवरी भी ठीक है, बेकार तो नहीं कह सकते, मगर थोड़ा सा क्वालिटी में अंतर तो आएगा, थोड़ा अंतर, क्योंकि अच्छा, प्राइस क्या रहती है? प्राइस इसमें आप जैसे इसका बताएं, ये आधा किलो का पैक है तो आधा किलो का पैक 250 रुपये का है, और अगर यही डिस्कवरी का बताएं तो डिस्कवरी का आधा किलो का पैक 200 रुपये का है। ये कंटेनर के रेट हैं, डिस्कवरी में पाउच भी आ रहा है तो पाउच में अपना 150 रुपये का पाउच आ जाता है और छोटे में और सस्ता आ जाता है, इस प्रकार से रहता है। बाकी आपके पास वॉर्म्स वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं? हाँ जी, तो ब्लड वॉर्म्स है, श्रिम्प है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, आप जैसे एक हम बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे पूछना चाहेंगे जी, फूड तो आपके पास मैंने देखा सारे अवेलेबल हैं, आपने बताया अभी पीछे वाले एक्वेरियम में आपने बताया, कितने का एक्वेरियम? ये 32,000 का है, ये सम सिस्टम है इसमें। तो अब आपने जैसे कि आपने देख पा रहे होंगे अभी उसके अपन वीडियो भी अलग से लेंगे, 250 से 300 से लेकर 40,000-45,000-60,000 तक के एक्वेरियम आपके पास हमेशा उनके पास स्टॉक में रहते हैं, इनका काफ़ी बड़ा धंधा है, दो शॉप से मेरे हिसाब से। हाँ जी, एक मेरी अशोका गार्डन में है भोपाल सिटी में और एक ये 12 नंबर पे। तो लेकिन अब जैसे क्या है कि मान लीजिए इंदौर का हो गया कोई या दिल्ली विल्ली साइड से किसी को कुछ मंगाना हो जी, तो डिलीवरी आप रखते हैं मतलब? जी जी, पहुंचा देंगे इजीली, उसके कुछ चार्जेस रहते हैं। हाँ, वो डिपेंड ऑन कंडीशन रहता है कि कहाँ पर पहुंचाना है। हाँ मतलब बिल्कुल, अब जैसे कोई ऊपर साइड का अगर नॉर्थ साइड इंडिया का कोई बच्चा पहुँचा रहा है तो उसका अलग हुआ है, कन्याकुमारी में तो मंगा रहा है तो अलग, वो तो डिपेंड ऑन कंडीशन है कि वो उसमें हमारा कुछ नहीं रहता है, वो तो जितना लगता है लीगली वो उतना बता दिया जाएगा। तो यार दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, अगली वीडियो भी अपन लोग इनके ऊपर लाएंगे बिल्कुल कि क्या कौन से टैंक, क्योंकि मैंने अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि इस शॉप से सस्ते टैंक भोपाल में कहीं पर भी अवेलेबल है। वीडियो की लिंक आपको जैसी आएगी मैं हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, और आने वाली वीडियो जल्दी, आप लोग टेंशन मत करिए, बहुत ज़्यादा सस्ते और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे टेबल चेयर के साथ, मतलब टेबल कह रहा हूँ मैं, स्टैंड के साथ काफ़ी अच्छे फर्नीचर स्टैंड के साथ यहाँ पे एक्वेरियम्स अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी मेरे को देखने को मिले, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो लाएंगे। तो यार तब तक के लिए धन्यवाद रवि जी, हम लोग मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।